सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने ये जो 70 MAI का फ्रंट डैश कैम है इसको इंस्टॉल किया था, और इसका आप व्यू देख पा रहे हैं। ये अभी ऑन नहीं है, लेकिन एक रियर व्यू मिरर का काम ये अभी भी कर रहा है। बाहर जाने से पहले मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि अगर मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने दम के ऊपर तो आप भी कर पाएंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो गाड़ी का पीछे वाला बम्पर है वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सी पिलर है वहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर एक रियर पार्किंग कैमरा लगाने के बाद देखते हैं कितना फील्ड ऑफ व्यू बनकर आता है। तो ये देखो भाई लोग, मैंने ये पूरा सेटअप कर दिया है। मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या किया है। ये वाला जो वायर है, ये जो यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये इस मिरर का, इस स्क्रीन का पावर सप्लाई है। पावर यहाँ से ये पावर आती है, और यहाँ से घूम फिर के ये वायर सो इकट्ठी हो रखी है। यहाँ से आके एक मिनट इस सॉकेट के अंदर जा रही है। अब यहाँ पर नेक्सॉन के अंदर मेरे पास ये भी है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर एक USB सॉकेट खाली पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको इस पे लगा के देखा, तो हुआ क्या, ये जो अभी ब्राइट पूरा दिख रहा है वो डिम होने लग जाता है, और यहाँ से लाइट्स बैंड होने लग जाता है, मतलब ऐसे फ्लिकर करने लग जाता है, और कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। मतलब इस वाले USB सॉकेट से पावर सप्लाई पूरी नहीं आ रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली लगा के रख नहीं सकता जो USB चार्जर है कार का, क्योंकि मुझे अपने वाला USB चार्जर भी लगाना है। इससे कैमरा भी चार्ज करने से, फ़ोन भी चार्ज करना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चार्ज होती हैं इससे। तो ये जो USB है ये डाटा USB है, और ये वाला USB है पावर USB है। तो इसको मैं हटा के इसका जो दूसरा केबल आता है, आपको दिखाता हूँ दूसरा केबल कौन सा है। इसका ये वाला जो केबल है, ये देख रहे हैं 70 MAI का लिखा हुआ है, तो ये वाला जो केबल है ये रिप्लेस होके यहाँ पर जो इसका फ्यूज़ बॉक्स होता है, यहाँ पर होता है या पर वहाँ पर होता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कहाँ पर होता है, वहाँ पर वो डायरेक्ट लग जाएगा। तो वहाँ से उसकी पावर सप्लाई डायरेक्टली इसके अंदर जाती रहेगी। अब रही बात इसके रियर व्यू में कैमरा की, अब आप देख पा रहे होंगे अजीब सा व्यू क्यों आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों आ रहा है। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रखी है, अजीब सा व्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला जो वायर है ये जा रहा है रिवर्स पार्किंग कैमरा के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। सीट को थोड़ा आगे कर लेता हूँ पहले। देखिए अब ये है रिवर्स पार्किंग कैमरा का वायर। अब ये जो वायर है लाल वाला, ये अटैच होता है पीछे की टेल लाइट से। तो जैसे ही टेल लाइट ऑन होगी, मतलब हमने रिवर्स गियर लगा दिया, तो जैसे ही रिवर्स लाइट ऑन होगी तो इसके अंदर पावर आ जाएगी, और जो हमारा रिवर्स कैमरा है उसको मालूम चल जाएगा गाड़ी रिवर्स होने वाली है। तो वहाँ पर इस मिरर के अंदर लाइन्स आ जाएंगी पार्किंग वाली। अब ये जो कैमरा है, मैंने सोचा है कहाँ लगाने का, मैं इसको बाहर नहीं लगवाऊंगा, इसके पीछे डबल टेप है, तो मैं इसको लगाऊंगा कुछ यहाँ पर। एडजस्ट करके दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। यहाँ पर इसको मैं फिट करवा दूंगा एकदम ऊपर की तरफ, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए मैं इसको कितना भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मैं चलता है इसको इतना कर देता हूँ ताकि मेरे को पीछे आने वाली गाड़ियों के बारे में पता चलता रहे, साथ ही साथ जो पीछे रिवर्स करते टाइम पे कुछ भी ऑब्स्टिकल आता है मुझे दिखाई देता रहे। मैं दिखाता हूँ आपको सी पिलर कहाँ है इसका। ये रहा इसका सी पिलर दोनों साइड का, और ये है इसका नाइट विजन कैमरा। अब मैं आपको इसका नाइट विजन भी दिखाऊंगा कि कैसा रहता है नाइट विजन। तो एक्चुअली में ये जो लगाना है ये काफ़ी आसान है, अगर मेरा जो USB सॉकेट है वहाँ वाला वो इसको कंपेटिबल रहता, मतलब वो इसको पावर सप्लाई दे पाता प्रॉपरली मेरे उस IRVM को प्रॉपरली। हाँ, तो अगर वो प्रॉपरली दे पाता तो मैं डेफिनेटली उसी को लगाता वहाँ पर। ये देखो भाई, ये कैमरा अटैच हो गया है, यहाँ से ये वायर गई है पूरे अंदर, और सिर्फ छेद मैंने एक जगह करवाया है यहाँ पर, एक छोटा सा छेद। ये वायर यहाँ से निकल के आएगा, इसके अंदर घुसेगा, यहाँ से ट्रेवल करता हुआ अंदर 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 इस लाइट के पास पहुँचेगा, यही प्लान है। और ये ब्लैक वाला वायर फिर यहाँ से अंदर से जाएगा, सब अंदर कंसील हो जाएगा, कंसील हो जाएगा। तो अभी नीचे से ये वाला वायर जाएगा लाइट वाले होल से, और निकल के आएगा इस वाले होल से, जो हमारा रबर वाला वायर था ना वहाँ से निकल के आएगा, और इस वाले होल में अटैच कर देंगे उसको एक साथ, तो परफेक्ट फिट बैठ जाएगा एकदम। आप देखो भाई लोग, ये पूरा कनेक्शन हो गया, ये कैमरा का वायर गया यहाँ से, ये कनेक्टर है, फिर ये अंदर घुसा, वहाँ से निकल के उस ब्लैक वाले के अंदर घुसते हुए यहाँ से निकल के वो अंदर आ गया है। अंदर देखो ये रहा वायर ये पूरा। अब इसको कनेक्ट करेंगे रियर, मतलब रियर लाइट के साथ, ताकि जैसे रिवर्स गियर लगाएं तो इसका सिग्नल मिल जाए भाई रिवर्स गियर लग गया, अपने आप को चालू कर देने का। तो वहाँ से ये कनेक्शन दिया हुआ, ये रेड जो क्लिप कहाँ गया, ये क्लिप है ना, ये अटैच की हुई है टेल लाइट के वायर के साथ, यहाँ पर होता है इसका वायर।
खोलने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ना है बस और झटका दे के खोल देना है। दिखाता हूँ आपको मैं, कुछ नहीं करना, ये ऐसे निकल आता है। अब इसको बंद करने के लिए चल गया पूरा का पूरा। अब इसके साथ साथ ये जाता रहेगा ऊपर ऊपर। तो देखो भाई ये वायर अपना कनेक्ट हो गया यहाँ से, ये जाएगा ऊपर ऊपर से होता हुआ ऊपर ऊपर से जाता हुआ। ये देखिए वायर एक्स्ट्रा बहुत लंबा है, ये मतलब एक लंबी खासी गाड़ी जो एसयूवी होती है या फिर कोई भी लंबी गाड़ी होगी उन सब के लिए वायर बहुत लंबा है, मतलब बहुत ही भाई। और ये हमारा लटका हुआ कैमरा अब यहाँ लगाएंगे, देखते हैं कैसा कैसा लगता है। ये स्पेशल टाटा गाड़ी का तो है ही नहीं। हाँ तो इसके लिए अभी अगर मैं जैसे उधर लेके जाऊँगा ना, हाँ, कनेक्शन करने के लिए अगर ये मैं निकालू तो दूसरा फ्यूज लगाऊंगा ना, हाँ, तो मुझे वायरिंग कट करना पड़ेगा आपकी ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल जो फ्यूज बॉक्स है वहाँ पे, हाँ, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा तो वो प्रॉब्लम आ जाएगा बहुत ज़्यादा। वारंटी का दिक्कत में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा इनकेस आपको फ्यूचर में। अच्छा कुछ भी हुआ तो ठीक है, ठीक है फिर मत लगाओ इसको, जो चीज़ आप लाए हैं यही चीज़ मैं लगा देता हूँ, आपको बेटर रहेगा ये ना। हाँ ये वाला कनेक्शन करने में मैं इसका यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा, वो नहीं काम करेंगे इसके साथ ना, ये इसके साथ कनेक्ट कर दो, इसके साथ कनेक्ट कर दो है इसमें एक खाली पड़ा हुआ है। अब ये हम इसके कैमरे के प्लेसमेंट करेंगे, देखिए वहाँ से वो कैमरे को थोड़ा टाइट कर रहे हैं ताकि आसानी होगा करने में। अभी देखो कैमरे की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, सही एकदम पूरा एच टू एच दिखा रहा है कि कहाँ पर है न्यूट्रल और ये है अपना नॉर्मल। चलो बढ़िया है फिर तो, अंदर से निकालो। नहीं तो जैसे ही चालू हुआ देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी इसने। अभी इसी को हम रिवर्स में, ये एक्चुअली में रिवर्स में है और मैं आपको बताता हूँ रिवर्स कैमरा मैंने कहाँ लगाया है, इसको फ्रंट में दिखाता हूँ आपको मैं। ये फ्रंट कैमरा है, ये रिवर्स कैमरा है और जैसे गाड़ी स्टार्ट होगी रिवर्स कैमरा चालू हो जाएगा, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। तो 70mAh डैश कैम के बारे में बता रहा हूँ आपको, एक लास्ट पॉइंट रह गया मैंने डैश कैम कहाँ लगवाया है। अब देखिए मैं डैश कैम यहाँ पर जूम इन करना, यहाँ पर लगवाया है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा पता नहीं। यहाँ पर छोटा सा रियर व्यू मिरर कैमरा लगा हुआ है, इसका फ़ायदा ये है, इसका फ़ायदा ये है कि पूरा सामान भरा हुआ है लेकिन मेरे लिए जो व्यू है वो वैसा ही रहेगा, आपको आगे से दिखाता हूँ मैं एक बार। अब ये देखिए पूरा का पूरा रियर व्यू मिरर में पूरा सब कुछ आ रहा है, अब मुझे इसको करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज़ मैंने जो कराई है इसका पावर सॉकेट, मैंने इसको हार्ड वायर नहीं कराया, मैंने इसके लिए एक स्प्लिटर परचेस किया है जिस वजह से हम दो जो चार्जिंग सॉकेट है वो लगा सकते हैं। तो ये थी 70mAh डैश कैम की इंस्टॉलेशन की वीडियो। सबसे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप अगर ये रियर व्यू मिरर कैमरा लगाए तो यहाँ ना लगा के या तो यहाँ लगवाएं या फिर यहाँ लगवाएं या फिर यहाँ लगवाएं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जब रात को चलते हैं तो जब धूल गिरती है इसके ऊपर तो गंदा हो जाता है, इसको बार बार साफ़ करना पड़ता है। दूसरा ग्लास की वजह से इसके ऊपर रिफ्लेक्शन आना स्टार्ट होती है जिसकी वजह से देखना आसान होता है। अगर आप इसको बाहर की तरफ यहाँ लगवाएंगे बेटर व्यू मिलेगा, अगर यहाँ लगवाएंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एक और बात है कि आपको शीशा साफ़ करते रहना पड़ेगा डैश कैम रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये थी छोटी सी वीडियो S70mAh के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ जाकर आप परचेस कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।